संगत जी, सब तो पहला गज के बुलाओ फतेह। आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज आपां गल करांगे इस घटना बारे। तुसी वीडियो दे आखिर तक बने रहो अते कमेंटां दे विच वाहेगुरु लिख के हाजरी जरूर लगवाओ जी। शुरू तो ही औलाद नूं लै के संसार दे विच कोई ना कोई समस्या चलदी ही रहिंदी है। कोई अपने औलाद तो खुश नहीं ते किसे दे औलाद ही नहीं हुंदी। हर कोई आपो अपने दुख दे विच रो रहा है। मनुख अपनी इच्छावां तो कदे भी संतुष्ट नहीं हो सकता अते मनुख अपनी इच्छावां ते लोड़ां नूं पूरा करन वास्ते किसे भी हद तक चलिया जांदा है। किसे भी तरां दा माड़े तो भी माड़ा काम कर लैंदा है बिना कुछ सोचे समझे। अज दी अजिही ही घटना जिले बठिंडे दे इक पिंड दी है। इस घटना दे विच तुसी इक सच्चाई तो जाणू होवोगे कि इक औलाद दी चाहत इक मां दे पुत्तर दे रिश्ते नूं किवें तार तार करके रख दिता। गल है अज तो 27 साल पहलां दी। बठिंडे जिले दे विच पैंदे इक पिंड दे विच अनिल कुमार नां दा व्यक्ति अपने परिवार दे नाल रहिंदा सी। घर विच अनिल कुमार उसकी मां एक भरा अते तीन भैणा सी। भैणा वड्डियां सी ते व्याहियां गईयां। उसका भरा पुलिस दे विच हो गया ते उसकी ड्यूटी चंडीगढ़ दे विच लगी अते ओह उत्थे ही रहिंदा सी। अनिल कुमार दा व्याह कुलवंत कौर दे नाल होया। रब दी रजा इस दे विच ही सी कि व्याह तो 7 साल बाद तक भी उन्हां दे घर कोई भी औलाद नहीं हुई। बहुत इलाज करवाए देसियां अंग्रेजियां पर कोई भी फायदा नहीं होया। पर एक गल दी गरंटी सी कि अनिल कुमार दी मां ने इस गल दा कदे भी ताना जां फिर गलत गल अनिल कुमार ते उसदी पत्नी नूं नहीं कही सी। ओह हमेशा कहिंदी सी कि अनिल रब दी रजा दे विच रहना असल जिंदगी है। पर लोकां दी जुबान कदे भी कोई बंद नहीं कर सकदा। लोक तरह तरह दीयां गल्लां करदे ते अनिल बहुत परेशान रहिंदा। उसनूं कुछ भी समझ नहीं आ रहा सी। पति पत्नी दे विच हमेशा कलेश रहन लग्या ते गल दिन पर दिन वधदी गई। फिर एक दिन अनिल कुमार दे साले ने अनिल कुमार नूं एक तांत्रिक दे कोल जाण वास्ते कहा अते उस तांत्रिक नूं अपनी समस्या दस के उसका सुझाव देण वास्ते कहा। ओह तांत्रिक बंदा एक पहाड़ी इलाके दे विच रहिंदा सी। अनिल अते उसका साला ओह तांत्रिक कोल गए। उन्होंने सारी गल तांत्रिक नूं दसी कि 7 साल तो उसके औलाद नहीं हो रही। तांत्रिक ने सारी गल सुनी ते कहा कि तुहाडे कदे औलाद ही नहीं हो सकती। तुसी बे औलाद ही मर जावोगे। उन्हां दोनों ने तांत्रिक दे अगे मिंता तरले कीते कि सानू किसे ना किसे तरह औलाद मिल जावे। तांत्रिक ने कहा कि यह काम बहुत मुश्किल है। जेकर औलाद पौनी है तो एक बहुत मुश्किल काम करना पवेगा जो तुहाडे कोलों नहीं होना। अनिल ने कहा कि औलाद पाउण वास्ते मैं कुछ भी कर जावांगा। उस तांत्रिक ने कहा कि जेकर तू औलाद पाउणी है तां तैनूं अपनी मां दी खोपड़ी दा खून पीना पवेगा ते फिर तैनूं अपनी औलाद दा सुख मिलेगा। पहलां तां अनिल सोचां दे विच पै गया कि अपनी मां दे नाल मैं इह किवें कर सकदा हाँ। तांत्रिक दी गल सुण के ओह वापिस आ गए ते आके उस दे साले ने कुलवंत कौर नूं अनिल दी पत्नी नूं सारी गल दसी। औलाद दा मोह एक ऐसा मोह है जो बंदे तो हर एक काम करवा सकता है ते चाहे ओह जिन्ना मर्जी माड़ा होवे चाहे जिन्ना मर्जी चंगा। फिर उस दी पत्नी ने उस दे साले ते अनिल दे उत्ते बहुत जोर पाया। अनिल नहीं मन रहा सी पर जो उन्हां दोनों ने उस उत्ते बहुत जोर पाया तां अनिल इस काम वास्ते मन गया अते उन्हां तिन्हां ने इस काम नूं अंजाम देण वास्ते एक स्कीम बनाई। सो एक रात अनिल ते उसका साला एक माड़े काम नूं अंजाम देण वास्ते तैयारी हो रहे सी। उस तांत्रिक ते
कहे मुताबिक रात दे समय अनिल ने अपनी मां नूं उठाया अते बाहर ले के आया अते कपड़े धोण वाली थापी दे नाल उस दे सिर ते उत्ते वार कर दिते। इकदम होया वार तो उसकी मां नूं कुछ समझ नहीं लग्या अते उसकी मां दे मूहों दे विच एह गल निकली कि अनिल मैनू ना मारी। एनी गल सुन के अपनी मां दा खून देख के अनिल ता पिछे हट गया। अनिल नूं कमजोर पैंदा देख उसका साला उसदे उत्ते भड़किया ते कहा देख ही रहा है तेनू औलाद नहीं चाहीदी। एनी गल सुन के अनिल ने वार कर करके अपनी मां दी हत्या कर दिती अते तांत्रिक दे कहन मुताबिक उसदे सिर दा खून पीता। असी अक्सर टीवी दे विच ही देखते हाँ कि लोग औलाद पाउण वास्ते की कुछ करते ने, बलि तक भी दे दिंदे ने। अनिल ने भी कुछ अजिहा ही किया सी। अपनी औलाद पाउण वास्ते एक औलाद ने अपनी ही मां दी बलि चाढ़ दिती। सो उसी रात अनिल दा भरा जो कि पुलिस दे विच सी उसनू एक सुपना आया अते सुपने दे विच उसदी मां उसनू कहिंदी है कि अनिल ने मैनू मार दिता। यह सुपना देख के ओह बहुत ही डर गया अते अगले ही दिन सवेरे घरों फोन आया कि उसदी मां दी पौड़ियां दे विच डिगण दे कारण सिर दे उत्ते सट लगण दे कारण मौत हो गई अते उसदे संस्कार वास्ते उसनू घर बुलाया गया। उसदा पुलिसिया भरा बहुत ही दुखी होया ते छुट्टी लैके वापिस घर लई निकल गया। पर उसदा पुलिसिया भरा राती सुपने बारे सोची जा रहा सी। घर गया तां घर दा माहौल बहुत ही दुखदायक सी। सारे पिंड ते रिश्तेदार पहुंचे हुए सन। उसदे पुलिसिया भरा ने पुछया कि किस तरह होया तां अनिल ने कहा कि मां राती डिग गई ते सिर दे उत्ते सट लगण दे कारण उसदी मौत हो गई। उसदे भरा नूं यकीन नहीं होया तां उसने रौला पा दिता कि मेरी मां नूं मारिया गया है अते उसने पुलिस बुला ली। पुलिस ने लाश दा पोस्टमार्टम किया जिस तों बाद यह साफ हो गया कि किसने उसदे सिर दे उत्ते बार बार कोई चीज मारन दे कारण उसकी मौत हो गई। ते फिर शक दे आधार दे उत्ते अनिल ते उसदे साले नूं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया ते सख्ती नाल पुछगिछ तो बाद उन्हां दोनां ने सच्चाई कबूल कीती कि तांत्रिक दे कहण दे उन्हां ने यह सब कुछ किया। केस चलिया अनिल नूं सजा होई पर फिर भैणा ने सोचिया कि भरा दा घर उजड़ जाएगा ते इस करके उस दियां भैणा ने सजा माफी की अर्जी भी पाई ते अनिल नूं 3 साल बाद जेल दे विचों बाहर कढ लिया गया। कुछ समय बाद अनिल दे घर एक लड़के ने जन्म लिया। हुण आपां इत्थे इह नहीं कहिंदे कि तांत्रिक दे कहण दे मुताबिक इह औलाद होई है पर इस दे विच वाहिगुरु परमात्मा की कोई रजा सी। सो हौली हौली जिंदगी चलन लगी ते अनिल ने हलवाई का काम शुरू कर दिता। उसका मुंडा 14 साल का होया ते एक दिन पहला किसी दे घर विआह का काम करन जा रहा सी। मुंडे ने जिद फड़ ली कि मैं भी अपने प्यो दे नाल जाना है। अपने मुंडे की जिद देख के अनिल उसनू अपने नाल ही लै गया। अनिल कोई चीज बनाउण वास्ते तेल गर्म कर रहा सी ते उसका लड़का उत्थे कोल ही खेड रहा सी। खेड़दा खेड़दा उसदे लड़के नू धक्का लग्या जिसदे नाल ओह तेल की कड़ाही दे विच ही डिग पिया ते बुरी तरह सड़ गया। उसनू जल्दी दे नाल होस्पिटल लै जाया गया पर रास्ते दे विच ही उसने दम तोड़ दिता। इत्थे 14 साल औलाद का सुख पाउण तों बाद अनिल बे औलाद हो गया। नरक स्वर्ग इत्थे धरती दे उत्ते ही ने। अज भी हलवाई का काम करता है पर बे औलाद अनिल अपनी मां तों भी गया ते अपनी औलाद तों भी। दरगाह दे विच ना तां उस परमात्मा ने माफी देनी है ते ना उसकी मां ने ते ना ही उसकी औलाद ने। सो औलाद परमात्मा दी देन है। उसकी किरपा तो बिना कुछ भी संभव नहीं। चाहे मनुख जिनी मर्जी कोशिश कर लवे उस परमात्मा दी नज़र तो बिना कुछ नहीं मिलता ते यह गल एक सच्चाई है।
ते एह सच्चाई सानू अपनी जिंदगी दे विच उतारन ही चाहिदी है। सो साध संगत जी, वीडियो नू लाइक अते रिश्तेदारां दे नाल शेयर जरूर करियो जी। जेकर वीडियो वधिया लगी तां चैनल नू सबसक्राइब कर लवो अते बैल आइकन नू दबा लेना, जिस नाल साडी हर नवी वीडियो सब तों पहलां तुहाडे तक पहुंच जावेगी। मिलदे हां अगली वीडियो विच, उदों तक गज के बुलाओ फतेह, आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।